लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। ना सिर्फ ये, और भी ऐसे पाकिस्तानी हैं जो चंद्रयान 3 के चांद पर जाने से हैरान परेशान हो गए, और परेशानी में रसिया भी है जो कुछ दिनों पहले इंडिया से मुकाबला करने के लिए निकला था। अब उस परेशानी में उसने क्या कहा मैं आपको बताऊंगा ही, मगर उससे पहले बात करते हैं यूके के दगाबाजी की, जिसमें चंद्रयान 3 के लैंड होते ही अपने दिए हुए पैसे मांग लिया है। तो क्या चंद्रयान 3 इनके बदौलत चांद पर गया है, चलिए जानते हैं। 2019 से लेकर 2023 इसरो की 3 साल 7 महीने की लगातार मेहनत और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद लेकर चंद्रयान 3 आखिर चांद के साउथ पोल पर पहुंच ही गया। इसे लेकर हम हिंदुस्तानी जितना खुश है वैसे ही नाराजगी पाकिस्तान पर छाई हुई है, और ये नाराजगी एक भाई के कहने पर साफ जाहिर होता है, जिन्होंने ये कह डाला कि भारत के चांद पर जाने से कुछ नहीं होने वाला, इससे उनके लोग थोड़ी आ गए हैं। इतना ही नहीं, ये भाई साहब तो सीधा चांद से हटकर धरती पर आ गए हैं और कहा कि इंडिया के मून मिशन से कोई फायदा नहीं होने वाला, ना महंगाई खत्म होने वाली है। लेकिन हिंदुस्तान को ऐसी तीखी नजर से देखने वाले इस शख्स को मैं बता दूं कि आज भी इंडिया की महंगाई पाकिस्तान से कई गुना कम है, मगर शायद इसीलिए पाकिस्तान का एक समझदार आजकल काफी चर्चे में चल रहा है, जिसने तो ये तक कह डाला कि चांद और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, ना चांद में बिजली है ना पाकिस्तान में, ना चांद में गैस है और ना ही पाकिस्तान में। चांद पानी है, पानी नहीं है, इधर भी नहीं है। इन्होंने मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा है कि एक दिन सारी दुनिया चांद पर पहुंच जाएगी और पाकिस्तान यहीं रह जाएगा। इसके बाद ये भाई साहब इतने वायरल हो गए कि इनके यहाँ मीडिया वालों की लाइन लग गई। इनका दिल छोटा क्यों ना हो, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको ने चांद पर जाने की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के पूर्व मिनिस्टर फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 के फेलियर पर एक ट्वीट शेयर करते हुए कहा था कि भारत को ऐसे मिशन पर खर्चा नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, फवाद ने हमारे जवान अभिनंदन का भी अपमान किया था, और जब उनके कानों में ये खबर आई कि हिंदुस्तान चांद पर फिर से जा रहा है, तब उन्होंने कहा कि चांद पर जाने की क्या जरूरत है, चांद यहाँ से भी तो दिखता है। और आज 4 साल के बाद खुद ही हिंदुस्तान को चंद्रयान 3 पर बधाई देते हुए पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को पूरे पाकिस्तान में लाइव दिखाया जाए तो बेहतर होगा। अब ये इनका इंडिया के प्रति प्यार है या अपने देश से नाराजगी, ये बात इनके ऊपर ही छोड़ देना बेहतर होगा। पर इतनी सारी चीजों को सामने रखने के बाद भी एक पाकिस्तानी के तरफ से जवाब आया है कि बाघा बॉर्डर पर उनकी लात हिंदुस्तान के लात से ऊपर उठती है। तो अब कोई ही इन्हें समझाए कि बात अगर ऊपर उठने की हो रही है तो सिर्फ चांद की तरफ देखा जाए, विक्रम वहीं पर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से काफी खुश हैं और मिठाइयां भी बांट रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में जीत का भी माहौल है और शौक भी मनाया जा रहा है। पर दोस्तों, जैसा हमने 2019 में हार नहीं मानी, वैसे ही पाकिस्तान को भी हार नहीं मानकर अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। ऐसी कोशिश आज चाइना वाले भी कर रहे हैं, जो चांद पर तो गए हैं लेकिन साउथ पोल तक नहीं पहुंच पाए हैं। इनफैक्ट 2026 में चाइना वाले अपना साउथ पोल का मिशन करने वाले हैं। इसके बाद 2028 में चाइना और रशिया मिलकर साउथ पोल पर रिसर्च स्टेशन खोलने वाले हैं। वहीं उन्होंने ये कह दिया कि हिंदुस्तान की साइंटिफिक डिस्कवरी उनकी सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगी। लेकिन इंडिया को बधाई देते वक्त सिर्फ 2 शब्द बोलने वाला चाइना शायद आज थोड़ा जलन महसूस कर रहा है। जहां उन्होंने लुनार मिशन के लिए 1752 करोड़ खर्च कर दिए, वहीं इंडिया उनके आधे से भी आधे यानी 615 करोड़ में ही चांद पर पहुंच गया। इसलिए कभी प्रेसिडेंट को रसिया का दोस्त बताते हैं तो कभी इंडिया के सक्सेसफुल मून लैंडिंग पर तारीफ के पुल बांध देते हैं, लेकिन ये सब जो दिखता है वो बिकता है। इनकी असलियत ये है कि 14 जुलाई 2023 में इंडिया का चंद्रयान 3 लॉन्च होते ही इनका माथा घूम गया, क्योंकि अगर ये मिशन पूरा होता है तो इंडिया चांद पर लैंड करने वाला 4th देश ही नहीं बल्कि साउथ पोल पर उतरने वाला सबसे पहला देश भी बन जाएगा। तो बस इन्होंने 615 करोड़ में बने चंद्रयान 3 के मून रेस में 1600 करोड़ में बने लूनर 25 को उतार दिया, और इनकी रेस इतनी टक्कर की थी कि दोनों शायद एक दूसरे से कुछ ही देर के अंतर में साउथ पोल पर लैंड करते। अब इसे रसिया की चालाकी का फूटा नसीब कहे या भारत की तकदीर, क्योंकि जैसा सब जानते हैं 20 अगस्त को लूना 25 क्रैश हो गया और चंद्रयान 3 ने रेस जीत ली, और जीतने वाले का हर कोई दीवाना ही होता है, जैसे अमेरिकन पॉलिटिशियन, न्यूज़पेपर या फिर अमेरिकन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, आज हर कोई इंडिया को बधाई दे रहा है। और सबका कहना एक ही है, इंडिया तुझसे ग्रेट हो, पर क्या अमेरिका का हमेशा से ही ऐसा मानना है? नहीं। कुछ सालों पहले इंडिया मार्स मिशन पूरा करने वाला 4th देश बना
बना था, इसके बावजूद अमेरिकन न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून छापा था जिसमें भारतीय किसान जैसे कपड़े पहनकर एक आदमी अपने गाय के साथ खड़ा होकर दरवाजे खटखटाता है और दरवाजे के उस पार होता है एलीट स्पेस क्लब जिसमें दो लोग सूट बूट में होते हैं। ये कार्टून देखते ही पब्लिक भड़की। न्यूज़पेपर वालों को इंडिया का मजाक उड़ाने पे ऐसा ट्रोल किया कि न्यूज़पेपर वालों को इंडिया से माफी मांगनी पड़ी, पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसने इस कार्टून का अपना वर्जन निकाला था। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंडिया ने अपने ऊपर 200 साल राज करने वालों को भी जवाब दे दिया है, क्योंकि एक तरफ दुनिया इंडिया को बधाई देने में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया यूके की आंखों में गड़ रहा है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट सूफी कॉरकोरन ने एक्स पर कहा कि जिस देश के पास इतनी एडवांस स्पेस प्रोग्राम है कि वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करे, उसे यूके आर्थिक मदद ना दे और हजारों के तादाद में उनके पोस्ट को लाइक मिले। वहीं दूसरी ओर यूके के जीबी न्यूज एंकर ने लाइव टेलीविजन पर इंडिया से उनके 24,000 करोड़ फॉरेन एड वापस करने की बात की, ये कहते हुए कि जिस देश को अपने गरीब जनता से ज्यादा रॉकेट उड़ाने में दिलचस्पी है, उसे हम पैसे क्यों दें। और इनकी बात सुनते ही एक्स में मौजूद इंडियन फौज ने हैशटैग 45 ट्रिलियन ट्रेंड कर दिया। इंडियन पब्लिक का कहना था कि ब्रिटेन ने इंडिया से जो 45 ट्रिलियन डॉलर जितने पैसे जो लूटे हैं, उसमें से आप अपने 2.3 बिलियन पॉन्ड्स भी ले लो और उसका इंटरेस्ट भी काट लो, बस बाकी बचे पैसे इंडिया को वापस लौटा दो, और हाँ कोहिनूर भी। पर यूके की असलियत ये है कि इंडिया को वो आर्थिक मदद नहीं बल्कि इंडिया के ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों को इंडिया के खुशी से खुशी हुई और बधाई देने में भारत के दूर के पड़ोसी देश यूएई ने कमी नहीं की। इन बधाइयों में नेपाल, अफगानिस्तान और जापान जैसे देश भी शामिल थे और अपनी इस जीत में इंडिया वालों ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। कहीं मिठाइयां बटी, कहीं लोग रास्ते पर तिरंगे लहराकर नाचे, कहीं तालियों का, कहीं पटाखों का, तो कहीं नगाड़ों का शोर मचा, तो कहीं भारत माता की जय का शोर गूंजता चला गया। तो दोस्तों, आपने इस जीत को कैसे मनाया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।